व्हाट अ सरप्राइज। तुम यहाँ पर कब आई? अरे तुमने कहा क्यों नहीं, एक फोन तो करना चाहिए था, मैं एयरपोर्ट आके तुम्हें पिक कर लेता। घर में सभी लोग ठीक है ना? और तुम बचपन में जैसे अपना नाक खुजाती थी वो अब छोड़ दिया है ना? आप कौन? मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे इतनी जल्दी भूल गई? सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बट आप तो इंडियन लग रहे हैं। रशियन हूँ। ए, इंडियन ही हूँ। ओके, एक छोटा सा क्लू देता हूँ। मैसूर, महाजन्स कॉलेज, तुम आगे की बेंच पर थी और पीछे की बेंच पर मैं था, कभी कभी बुला बुला कर तुम्हारा पेपर कॉपी करता था। हाँ? अब कुछ याद आया क्या? दिस इज रिडिक्यूलस। ओके, तुम एक लास्ट क्लू देता हूँ, तब भी अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। ओके, जुलाई 6 तुम्हारा बर्थडे था, मैं तुम्हारे घर आया था, वहां पर केक कट किया, वहां तुम्हारे सभी घर वाले थे। हाँ? मैं तुम्हें सबसे छुपा कर साइड में ले गया, वी हैड अ पार्टी एंड मेरा बर्थडे मेरे क्लोज फ्रेंड्स के अलावा और किसी को नहीं पता। अभी तो मालूम पड़ गया होगा ना। ओह गॉड, आई गॉट टू गेट टू एडिसन इन 30 मिनट्स। एडिसन? इम्पॉसिबल। तुम्हें अगर एडिसन जाना है तो सिर्फ दो ही लोग ले जा सकते हैं। वन इज जीसस, बिकॉज़ जीसस नेवर फेल्स, यू नो। मगर वो तो अभी यहां आ ही नहीं सकते। हां, दूसरा कौन? प्लीज। कौन सी कंपनी में जा रही हो? आर्टिक फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स? मगर कपड़े तो तुमने किसी क्लासिकल डांसर की तरह पहने हुए हैं। क्या कहा? नहीं, बादाम का दूध जैसे बार में सूट नहीं करेगा, वैसे ड्रेस सूट नहीं कर रहा। क्यों, ये अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, अच्छा तो है, लेकिन तुम जिस काम के लिए जा रही हो वहाँ मैच नहीं करेगा। हम चाहे जहाँ भी रहे, हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें मैं एक बात बताऊँ, ओलंपिक्स में गेम शुरू होने से पहले सारे लोग अपने देश का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर मार्च करते हैं। कंपटीशन के लिए देखें तो कोई भी साड़ी पहनकर जंप नहीं करता। अंजू बॉबी जॉर्ज इंडियन होकर भी शॉर्ट्स पहनकर जंप करती हैं। नहीं, मैं तुम्हें शॉर्ट्स पहनकर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था। यू नो, ये कॉम्पिटिशन वर्ल्ड है, यू हैव टू कम्पीट विद पीपल। जिस भी देश में जाते हो वहीं की तरह जीना है, बस दिल इंडियन होना चाहिए। देखो, हम तुम्हारे एड्रेस पर पहुंच गए, अभी भी तुम्हारे पास 2 मिनट बाकी है। थैंक यू सो मच। वेलकम। बाय प्रमिला। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। गए नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं? वेटिंग। एक और हेल्प करनी है तुम्हारी, तुम्हारा फोन कार में भूल गई थी। थैंक्स। बार बार ये थैंक्स मत कहो, मीनिंग अलग हो जाता है। क्या मीनिंग है? टाइम आने दो, बता दूंगा। चलो बैठ जाओ, ड्रॉप कर देता हूँ। प्रमिला, देखो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। काम को हासिल करना है तो सिर्फ टैलेंट ही नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। You mean over confidence? No, self confidence। अब जब भी इंटरव्यू में जाओगी तो तुम्हें उनकी जरूरत से ज्यादा उन्हें तुम्हारी जरूरत है, ऐसा उन्हें फील कराना, सिंपल। सो कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बुरा ना माना तो सीधी बंद करोगे, मूड कुछ ठीक नहीं। ये सीडी नहीं है, एफएम रेडियो है। देखो
ये अपनी लाइफ, ये मन बिल्कुल एफएम रेडियो की तरह है। रेडियो पर जिस तरह हम चैनल्स चेंज करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन के मूड को भी चेंज करना चाहिए। ये सब अपने हाथों में होता है। हमें अगर हैप्पी रहना है तो हमें हैप्पी वाला चैनल लगाना चाहिए। मुझे देख लो, सैड चैनल नहीं लगाता, सो आई एम ऑलवेज हैप्पी। सी, उस रेस्टोरेंट के पास रोकोगे? खुद ही सोचो, तुम मुस्कुराई और तुम्हारा मन किया कि हम रेस्टोरेंट में चलते हैं, कॉफी पीकर रिलैक्स हो जाते हैं। ये रेस्टोरेंट मेरी आंटी का है। ओह, आई सी। ओके, हम फिर मिलेंगे। वही, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे फिर थैंक्स कहोगी एंड उस थैंक्स का रियल मीनिंग बताऊंगा। ओके, बाय बाय। बाय। क्या है ये? पालक पनीर मैडम। इसमें नमक कम है, जरा शेफ मूर्ति को बता देना। ठीक है मैडम। ये मल्लिका आंटी की नाक है कि क्या है? सूंघकर नमक कम है ये भी बता देती है। आंटी, कंग्रेचुलेशंस प्रमिला। Why? She got your job, right? Oh, no. Then, why you look so happy? आंटी, आज मुझे एक बहुत बढ़िया इंसान मिला। अरे वाह रे वाह, गई थी इंटरव्यू के लिए, इंट्रोडक्शन करके आ गई, इंटरेस्टिंग। ओहो, ये तो हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ है। आप भी ना, नॉट फेयर। डैडी कहाँ हैं? उधर देखो, वो यहीं आ रहा है। हाय बेबी। हाय डैड। जिस काम के लिए गई थी वो हुआ? ओहो डैड, यहाँ नौकरी मिलने के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देख रहे हो, आज मेरी बेटी कुछ अलग ढंग से बात कर रही है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। दैट्स ग्रेट बेटा, आज तुम्हें एक नई तरह की एनर्जी दिख रही है। कीप इट अप। और ये एनर्जी मेरे बनाए खाने से आई है। हमारी प्रमिला, ये लो गर्मा गर्म जलेबी। जलेबी? हाँ। That was New York for no reason। जलेबी खाने के लिए कोई रीजन की जरूरत होती है क्या? अरे बेबी, लाइफ इज लाइक जलेबी, दिखने में गोल गोल कंफ्यूजिंग लगती है, खाओ तो बहुत मीठी है, खाओ ना। खा कर देखो बेटा, बहुत बढ़िया है। थैंक्स अंकल। जलेबी और आपका एक्सप्लेनेशन दोनों बहुत अच्छा है। दीदी, क्या हुआ? जिस काम के लिए गई थी वो हुआ बेटी? अपने डैडी को गुड न्यूज दी क्या? डैडी से ही मिलकर आ रही हूँ। वहाँ पर मल्लिका आंटी सबको रात के डिनर पर बुलाई हैं। नौकरी मिलने की खुशी में पार्टी दे रही हैं। मुझे नौकरी नहीं मिली। माँ क्यों दुखी हो रही हो? मुझे नौकरी नहीं मिली इसलिए, मुझे यकीन है कि उससे भी अच्छा काम मिलेगा मुझे। लाइफ एक रेडियो स्टेशन की तरह है, आप जो भी स्टेशन ट्यून इन करोगे वो वैसा ही सुनाई देगा। सो चेंज योर मूड, चेंज द स्टेशन।